देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर टू में ये कह रहे हैं यू हैव टू फाइंड आउट द एल सी एम इन एच सी एफ ठीक है HCF, ये कुछ तुम्हारे पास नंबर्स गिवन है इनका तुम्हें एल सी एम और एच सी एफ निकालना है पहले ये आधा पार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन का अगला पार्ट बाद में समझाती हूँ तो देखो यू हैव ट्वेंटी सिक्स एंड नाइन्टी वन ठीक है मैं क्या करती हूँ एल सी एम और एच सी एफ निकालने के लिए इन दोनों के लिए ट्वेंटी थ्री के प्राइम फैक्टर्स लिख लेती हूँ ठीक है ये तो सिंपल है तो सीधा कर लेती हूँ पूरी टेबल नहीं बनाती हूँ ये कैसे लिख दिया जाएगा टू इन थर्टीन ठीक है टू इं टू थर्टीन एज ट्वेंटी सिक्स राइट आप देखो नाइन्टी वन के लिए चलो उसकी टेबल बना लेते हैं हम लोग ईजी रहेगा ठीक आप देखो नाइन्टीन को मैं कैसे लिख सकती हूँ नाइनटी नाइन सॉरी नाइन्टी वन कैसे जाएगा तुम्हारा ये जाएगा सेवन से जा सकता है हाँ सेवन वन ज सेवन बचा टू सेवन थ्री जो ट्वेंटी वन ठीक है फिर जाएगा ये थर्टीन से थर्टीन वन ज थर्टीन तो मैं 9, ये कैसे लिख सकती हूँ सेवनटीन इंटू थर्टीन का प्रोडक्ट ठीक बेटा देखो एल के लिए हम लोग क्या करते हैं और एच के लिए क्या करते हैं एल के लिए क्या करोगे जो भी कॉमन है ठीक है इसको मैं और थोड़ा अरेंज कर लेती हूँ सफाई से लिखती हूँ देखो कैसे लिखना है जो कॉमन है ना बेटा जैसे ये है सेवन इन टू थर्टीन है तो मैं कोशिश करूंगी कि थर्टीन के नीचे थर्टीन ही आए तो क्या होगा एल के लिए क्या करोगे जो कॉमन है दोनों में थर्टीन थर्टीन है उसको तो, तो तुम एक दफा लिख लो ठीक है सही बचा क्या ऊपर टू बचा नीचे क्या बचा सेवन बचा तो मैंने सब लिख दिए कॉमन था वो कॉमन एक दफ़ा लिख दिया जो जो बचा वो भी लिख दिया ठीक है ये तुम्हारा एल हो गया एच क्या होता है जो भी कॉमन होगा दैट इज योर एच सी एफ कॉमन थर्टीन था तो थर्टीन तुम्हारा एच सी एफ हो गया याद कैसे रखोगे याद हम ऐसे रखेंगे एल सी एम निकालना थोड़ा बड़ा नंबर आता है एच सी एफ निकालोगे तो छोटा नंबर आएगा ठीक है क्लियर है अब क्या करना यू हैव टू प्रूव दैट एल सी एम इन टू एच सी एफ तुमको क्या प्रूफ करना है एल सी एम को एच सी एफ से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स आएगा मतलब मुझे मिलना चाहिए ट्वेंटी सिक्स इन वन मिलना चाहिए ठीक है क्लियर है पहले हम लोग लेफ्ट हंड साइड लेते हैं एल एच एस कर लेते हैं हम लोग ठीक है <laughs> सॉरी तो यहां पे देखो ये कितना हो जाएगा थर्टीन इंटू टू इंटू सेवन इंटू अगेन एच सी एफ क्या है तुम्हारा थर्टीन है ठीक है इसको करोगे मल्टीप्लाई तो यू विल गेट द आंसर एज तुम इसे मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा तो देखो जब तुम एल सी एम टू एच सी एफ करोगे तो यहां तुम्हारा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा टू थ्री डबल सिक्स ठीक है और हम जब हम ये करेंगे अपना राइट हैंड साइड करेंगे तो 21 वन इंटू नाइन्टी वन के ट्वेंटी सिक्स इंटू होता है टू थ्री डबल सिक्स है कि नहीं तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया कि यू गेटिंग द सेम रिजल्ट रिजल्ट देखो सेम है ओ मेरा मार्क इज नॉट वर्किंग तो यहाँ पर यू कैन से कह सकते हो हैंस एच एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हैंस प्रूफ है ना ठीक है तुम्हारा जो है एल एच एस और आर एच एस दोनों सेम है तो यू कैन से हैं वेरीफाइड और हैंस प्रूफ ठीक है यही प्रूफ करने के लिए बोला था एंड यू हैव प्रूफ दैट ठीक अब आ जाओ तुम इसके सेकेंड पार्ट पर अब देखो बच्चों सेकेंड पार्ट में तुम्हें क्या करना है फाइव हंड्रेड एंड टेन और नाइन्टी टू के तुमको जो है एल सी एम और एच सी एफ निकालना है पहले तो ठीक है तो देखो मैं क्या करते फाइव हंड्रेड टेन का कैसे निकालोगे जरा टू से कर लो तुम तो, तो ये जाएगा टू हंड्रेड एंड फिफ्टी फाइव राइट फिर किससे जाएगा थ्री से करके देख लो ज़रा सा तो ये हो जाएगा वन एट फाइव राइट अब देखो ये किससे जाएगा पाँच से जा सकता है फाइव से करो फाइव थ्री ये जाएगा सॉरी फाइव थ्री 15, फिफ्टीन और ये जाएगा तुम्हारा तो सॉरी वन है सेवनटीन टाइम्स ठीक है फिर ये जाएगा सेवनटीन इज अ प्राइम नंबर सेवनटीन वन इज अ ठीक है तो मैं फाइव हंड्रेड एंड टेन को कैसे लिख सकती हूँ एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर टू इन टू थ्री इंटू फाइव इं टू सेवनटीन ठीक है क्लियर है अब तुम्हें क्या करना है बेटा मैं जो नाइन्टी टू के जो फैक्टर्स करूँगी तो मैं ऐसे लिखूंगी जो सेम फैक्टर्स होंगे ना उनको साथ में लिखना ठीक है तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी नाइन्टी टू के फैक्टर्स लिखो टू से कर लो टू फोर ज एट है ना बचा वन टू सिक्स ज ट्वेल्व फिर टू से कर लो ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री इ प्राइम नंबर ट्वेंटी थ्री वन जी ट्वेंटी थ्री तो मैं नाइन्टी टू को कैसे लिख सकती हूँ टू इंटू टू इन टू ट्वेंटी थ्री तो है ही नहीं तो भाई कहीं पर भी लिख लो ठीक अब हम क्या करेंगे बच्चों अब मैं जो हूँ इसके जो कॉमन लग रहा है उसको लेती हूँ देखो तो मुझे यहाँ पर एलसीएम के लिए क्या करेंगे हम एलसीएम के लिए कॉमन क्या है एक तो तुमको टू मिल गया कुछ और कॉमन मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा है एक तुम टू लिख लो उसके बाद जो भी बचा है वो सब लिख लो ठीक है, बचा है, बचा है, बचा है थ्री बचा है फाइव बचाए सेवनटीन है टू है ट्वेंटी थ्री है ठीक है एच सी एफ के लिए क्या करोगे तुम एच सी एफ के लिए जो भी कॉमन है दैट इज है क्लियर है अगला स्टेप क्या करना है यू हैव टू वेरीफाई हमें क्या वेरीफाई करना है दैट एल सी एम इन टू एच सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोधन नंबर्स ठीक है मतलब 510 सौ दस इंटू नाइन्टी टू हो ठीक है क्लियर है तो देखो यहाँ पर तुम एल सी एम इंटू एच सी एफ करो टू इंटू टू फोर है ना मैं फ़ोर लिख देती हूँ पहले फोर इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू सेवनटीन इंटू अगेन एक टू इंटू ट्वेंटी थ्री मैंने क्या करा ये इसको सीधी मल्टीप्लाई कर दिया एल सी एम इन एच सी एफ करके ठीक है तो ये तुम्हारा जो प्रोडक्ट आएगा ये कितना आ जाएगा फोर सिक्स नाइन टू ज़ीरो ऐसे ही इन दोनों का प्रोडक्ट करो मल्टीप्लाई करो तो अगेन विल गेट द आंसर एज फोर सिक्स नाइन टू जीरो देखो तुम्हारे रिजल्ट जो है वो बिल्कुल सेम आ रहे ठीक है तो यू कैन से एल सी राइट हैंड साइड सब एक सौ है ना एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हैंड वेरीफाइड अप्रूव ठीक है सही है अब आ जाओ तुम इसके थर्ड पार्ट पे व द नंबर्स एज थ्री थ्री सिक्स एंड फिफ्टी फोर ठीक है थ्री थर्टी सिक्स के जरा प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं हम लोग टू से करते हैं ठीक है तो ये कितना आ जाएगा वन सिक्स एट फिर टू से कर लो यूल गेट हेयर एज एटी फोर फिर टू से कर लो तो यहां पर तुमको मिलेगा फोर टू फिर टू से करो तो टू वन ठीक है थ्री से कर लो थ्री सेवन जवेंटी वन सेवन से कर लो सेवन वन जैन ठीक है तो देखो थ्री थर्टी सिक्स कैन बी रिटर्न एज टू इंटू टू इंटू टू एक दो तीन चार ठीक है इंटू थ्री इंटू सेवन फिफ्टी फोर कैन बी रिटर्न एज फिफ्टी फोर के तुम प्राइम फैक्टर्स निकालो कितना हो जाएगा फिफ्टी फोर के टू टू ज फोर बचा वन टू सेवन ज फोर्टीन थ्री से कर लो थ्री नाइन जो ट्वेंटी सेवन थ्री थ्री जो नाइन थ्री वन जी ठीक है So 54 फोर कैन बी रिटर्न टू इंटू एक दो तीन तीन है ये तुम्हारे एक दो इंटू ये मैं क्या करती हूँ इसी के नीचे लिखती इसके नीचे आए ठीक है बच्चों अब तुम्हें क्या निकालना है इसका एल और एच निकालना है तो देखो एल का तरीका क्या है जो कॉमन है उसको एक साथ मार्क कर लो ठीक एक तो मुझे कॉमन दो मिला एक मुझे कॉमन तीन मिला ठीक उसके अलावा जो भी मिल रहा है उस सबको मल्टीप्लाई कर लो टू इंटू टू इंटू टू मिला ऊपर और सात भी मिला नीचे क्या मिला एक तीन एक और तीन मिला ठीक एच सी एफ का तरीका क्या है बेटा जो भी कॉमन है दो कॉमन है और तीन कॉमन है उन दोनों को लिख लो ठीक है क्लियर है अब क्या करना है तुमको यू हैव टू फाइंड एल सी एम इंटू एच सी एफ इज नाट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स मतलब क्या थ्री थर्टी सिक्स इंटू फिफ्टी फोर के बराबर है तो देखो थ्री थर्टी सिक्स और फिफ्टी फोर का जो मल्टीप्लीकेशन है वो तुम्हारा आएगा वन एट वन डबल फोर ठीक है तो तुम्हें चेक करना है इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन के ये बराबर है तो यहाँ पे इसका मल्टी ये क्या हो जाएगा एल हो जाएगा तुम्हारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो टू टू ज फोर इन दोनों को कर लो थ्री थ्री जा नाइन इन टू 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 ज फोर फोर टू एट ठीक टू थ्री सेवन ट्वेंटी थ्री जब इसको मल्टीप्लाई करोगी तो भी नहींक्वल टू आर एच एस वेरीफाइड ठीक है, है so, say, LC, right RHS, अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर थ्री करेंगे ठीक है पसंद आ रही है तो प्लीज बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना एक लाइक like जरूर करना थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेनो सोल्यूशंस